अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट स्टूडेंट हमारा रियल एनालिसिस सेकंड स्टार्ट आज हम करने लगे हैं। कोर्स आउटलाइन है, कोर्स कोड है इसका MATH 502। चैप्टर नंबर 1 है रीमान सिटलीजिस इंटीग्रल। तो रीमान सिटलीजिस इंटीग्रल में हमने जो बेसिकली जो इसमें हम फोकस करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा इंटीग्रेबल फंक्शंस। कि एक फंक्शन दिया होगा और उसे हम चेक करेंगे या उससे रिलेटेड थ्योरम्स हम प्रूव करेंगे कि कोई भी जो फंक्शन है वो इंटीग्रेबल कब होता है। ठीक है, तो ये इसमें बुनियादी हमारा काम होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेबल फंक्शन क्या होता है, तो उसके लिए आप इंटीग्रेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होती है। इंटीग्रेशन, ये जो हम इंटीग्रेशन यूज़ कर रहे होते हैं, इंटीग्रेशन में हमारे पास जो इंटीग्रेशन होती है इसका जो बुनियादी काम होता है वो ये होता है कि आपके पास एक फंक्शन है, एक आपके पास कर्व है, लेट सपोज ये आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, ये आपके पास एक फंक्शन है और कोई भी आपके पास इंटरवल है, उस इंटरवल में ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है, बाउंडेड भी है कंटिन्यूअस भी है। तो हमने इस कर्व के अंडर जो एरिया हमारे पास आ रहा है, इस कर्व के अंडर जितना भी एरिया हमारे पास आ रहा है अगर उसको हमने कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन बेसिकली जो यूज़ की जाती है वो ज़्यादातर मोस्टली किस लिए यूज़ की जाती है, एरिया मैयर करने के लिए, और एरिया भी किस तरह की शेप्स का मैयर करने के लिए जो इरेगुलर शेप हो। अब आप नोट करें ये टेडी मेडी शेप है, इसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं है, ये जो आपको दी गई एक एरिया अंडर दी दैट कर्व ये जो बन रहा है ये इसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं है, ये इरेगुलर शेप है। तो अगर तो ये आपके पास स्क्वायर शेप होती, लेट सपोज ये स्क्वायर शेप होती, तो स्क्वायर शेप का तो फार्मूला मौजूद है हमारे पास। इसी तरह अगर ये रिक्टेंगुलर शेप होती तो रिक्टेंगुलर शेप का भी हमारे पास फार्मूला मौजूद होता है। इसी तरह अगर ये ट्रायंगुलर होती, ट्रायंगुलर शेप, तो इसका भी फार्मूला एग्जिस्ट करता है कि ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये सर्कल होता तो सर्कल का एरिया भी एग्जिस्ट करता है। मीन कि अगर तो ये आपके पास कोई रेगुलर शेप होती तो रेगुलर शेप का तो हम जो एरिया है वो ईजिली जो है फार्मूलाज की हेल्प से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। बट अगर आपके पास इरेगुलर शेप्स हो और उस शेप का आपने एरिया जो है मैयर करना हो तो उसके लिए जो हमारे पास कोई प्रॉपर फार्मूलाज नहीं है तो फिर हम हेल्प लेते हैं इंटीग्रेशंस की। तो इंटीग्रेबल फंक्शन क्या होता है, इंटीग्रेबल फंक्शंस हम उस फंक्शंस को इंटीग्रेबल फंक्शंस कहते हैं जिसकी हमें जो एरिया है एग्जैक्ट मिल जाए। आप ये सिंपल अगर हम अपनी लैंग्वेज में कहें कि वैसे तो इसमें एरर होता है, अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जो एरिया है ये जो है अप्रोक्सीमेटली हम मेजर करते हैं, एग्जैक्ट हमारे पास एरिया नहीं आता। तो अगर आपके पास एरिया जो आप फाइंड आउट कर रहे हैं वो आपके पास करीब करीब हो, उसमें एरर कम हो, तो हम कहते हैं कि वो जो आपके पास जो फंक्शंस है वो इंटीग्रेबल फंक्शंस है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारा जो इसमें कंसेप्ट चलेगा वो ये होगा कि देखें ये कोई प्रॉपर शेप नहीं है, हम इसमें क्या करेंगे, ये जो इंटरवल दिया गया है ए से बी इसकी हम पार्टीशन कर देंगे, इस इंटरवल्स को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। उसकी रीज़न भी हम डिस्कस करेंगे, हम ऐसा क्यों करेंगे कि एक शेप को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड क्यों करेंगे एक इंटरवल्स को, तो देख लेते हैं जो जो हम इसमें इस चैप्टर्स में इस यूनिट में हमने डिस्कस करना है वो देख लेते हैं। देखें फर्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है इंटरवल क्या होता है, इंटरवल, क्योंकि इंटरवल्स हमने मोस्टली कॉमन है इसमें जो हमने यूज़ करना है इंटरवल। इंटरवल क्या है, एवरी कंटिन्यूअस सबसेट ऑफ आर मीन सेट ऑफ रियल नंबर इज़ कॉल्ड इंटरवल। आपके पास कोई भी अगर हमारे पास एक रियल लाइन है, ये रियल लाइन है लेट सपोज, इस रियल लाइंस में आपको पता है डिफरेंट नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, 1, 2, 3
फोर अप टू सो ऑन, पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसी तरह इस साइड पर नेगेटिव नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी। तो आप इसका एनी सब सेट ले लें, लेट सपोज हम लेते हैं 0 से 1। तो अब आप नोट करें 0 एंड 1, 0 एंड 1 के दरमियान इनफाइनाइट मैनी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, मीन के इनके दरमियान कहीं भी गैप नहीं है। एंड ये जो हमने लिया है 0 1, ये आपको पता है ये जो रियल लाइन है इसका एक सब सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर का एक सब सेट है। और किस तरह का सब सेट है, ये कॉन्टीन्यूस सब सेट है, इसमें कहीं भी गैप नहीं है। तो इंटरवल क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर, ये रियल लाइन है, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल लाइन कह लें या नंबर कह लें, सेट ऑफ रियल नंबर का एनी सब सेट आप लेंगे। तो किस तरह का सब सेट लेंगे, जो कॉन्टीन्यूस हो, कहीं भी उसके दरमियान गैप ना हो, हर इसमें बहुत से नंबर एग्जिस्ट करते हैं, इनफिनाइट मैनी नंबर एग्जिस्ट करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है इंटरवल। तो ये तो इंटरवल की डेफिनेशन है। पार्टीशन ऑफ इंटरवल हम मोस्टली इसमें यूज़ करेंगे, पार्टीशन ऑफ इंटरवल। तो पार्टीशन ऑफ इंटरवल क्या होता है, ए फाइनाइट सेट ऑफ नंबर्स, सपोज दैट हमारे पास एक फाइनाइट सेट ऑफ नंबर्स है, एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री अप टू सो ऑन, एक्स एन माइनस वन, एक्स एन, इज सेट टू पार्टीशन आर सब डिवीजन आर डिससेक्शन ऑफ द क्लोज्ड इंटरवल। कब कहलाएंगे, ये जो आपने नंबर्स लिए हैं ये पार्टीशंस कहलाएंगे इस क्लोज्ड इंटरवल की, कब कहलाएंगे, इफ़ दैट कंडीशंस आर सेटिस्फाई, मीन के ए इज इक्वल टू एक्स नॉट, एक्स नॉट जो है वो लेस देन इक्वल होना चाहिए एक्स वन से, एक्स वन जो है वो लेस देन इक्वल होना चाहिए एक्स टू से, एक्स टू जो है वो लेस देन इक्वल होना चाहिए एक्स थ्री से, एंड अप टू सो ऑन, एक्स एन माइनस वन जो है वो लेस देन इक्वल होना चाहिए एक्स एन से। ये कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाती है, ये जो हम एक सेट ले रहे हैं नंबर्स का, फाइनाइट नंबर्स का सेट ले रहे हैं, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं, देन हम कहते हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये क्लोज्ड इंटरवल की पार्टीशन है। दिस पार्टीशन इज यूजुअली डिनोटेड बाय पी, इसे हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, पी से हम डिनोट करते हैं, एंड राइट, और इसे हम राइट ऐसे लिखेंगे, देखें पी इज इक्वल टू ए एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री अप टू सो ऑन, एक्स एन। ये हमने क्या किया, एक हमारे पास एक इंटरवल था क्लोज्ड, ये उसकी हमने पार्टीशन ली है, मीन कि ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये नंबर जो होंगे, ये जो इनफाइनाइट सेट है ये क्लोज्ड इंटरवल की पार्टीशन है। इन जर्नल अगर आप इन तमाम को इन जर्नल लिखें तो इसको एंड ईच सब इंटरवल, देखें ये नोटेशन यूज़ होगी, मीन के यहाँ पे आई क्या है, 1 2 3, अगर आप यहाँ पे 1 रिप्लेस कर देते हैं तो देखें आई की जगह पे 1 रिप्लेस करेंगे तो 1 माइनस 1 एक्स नॉट और ये हो जाएगा एक्स वन, तो ये आपके पास फर्स्ट इंटरवल आ जाएगा। ये देखते हैं आगे हम, तो ये जो होंगे ये आपके पास हर पार्ट 1 रिप्लेस करें, 2 रिप्लेस करें, 3 रिप्लेस करें, 4 रिप्लेस करें, तो ये इसके क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट कहलाते हैं, कंपोनेंट। तो हमारे पास है देखें ये डिफरेंट आपके पास आ जाएंगे, एक्स नॉट, एक्स वन, ये आपके पास एक फर्स्ट सब इंटरवल है, एक्स वन से एक्स टू ये सेकंड सब इंटरवल है, एक्स टू से एक्स थ्री ये थर्ड सब इंटरवल है, एंड अप टू सो ऑन। ठीक हो गया, तो ये सब इंटरवल्स होते हैं। एक बड़ा आपके पास क्लोज्ड इंटरवल था, उस क्लोज्ड इंटरवल की हमने क्या की है, छोटे छोटे सब इंटरवल्स में हमने उसे डिवाइड किया है। उसकी रीज़न क्या है, ऐसा हमने किया क्यों है, हम जो पार्टीशंस करते हैं किसी भी सब इंटरवल्स की, उसकी रीज़न क्या है, वो भी हम अभी क्लियर करेंगे आपको, एक एक चीज़ आपको इंशाल्लाह क्लियर करवा देंगे। तो अब ये देखें, अपर एंड लोअर रिमान सम हमारे पास हैं, रिमान स्ट्रेटजी सम, अपर एंड लोअर सम हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब अपर सम क्या होता है, लोअर सम क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे, और लास्ट में मैं आपको इसका डिटेल से सारा कंसेप्ट आपको क्लियर करा दूंगा कि इसकी रीज़न क्या है, अपर सम हम क्यों जो है कैलकुलेट करते हैं, लोअर सम हम क्यों कैलकुलेट करते हैं। चलें फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं, फिर हम इसके कंसेप्ट की तरफ भी चलते हैं। तो कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर दैट एफ जो है क्लोज्ड इंटरवल से आर में, एंड अल्फा जो है क्लोज्ड इंटरवल से आर में, सपोज दैट एफ इज़ बाउंडेड,
सपोज दैट एफ एक बाउंडेड फंक्शंस हैं एंड अल्फा जो है एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन द क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, टू फंक्शंस हमने डिफाइन किए हैं कि एफ किस तरह का फंक्शन होना चाहिए। एफ जो है एक बाउंडेड फंक्शन होना चाहिए। बाउंडेड फंक्शन मीन कि आपके पास के हर वैल्यू जो भी आप इस इंटरवल से वैल्यू आप इसमें रिप्लेस करते हैं इस इंटरवल से उस फंक्शन में, तो आपके पास कोई भी फनाइट रियल नंबर रिजल्ट अगर आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये बाउंडेड है इन इन दैट इंटरवल। ठीक है, इसी तरह अल्फ़ा जो है वो एक फंक्शन है, वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन किस तरह का होता है कि अगर आपके पास डिफरेंट टू वैल्यूज़ हैं, लेट सपोज हमारे पास टू डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, देखें एक्स वन है एक्स टू है, एक्स वन लेस देन इक्वल है एक्स टू से, तो अल्फ़ा एक्स वन आप जब रिप्लेस करेंगे अल्फ़ा एक्स टू, देन ये कंडीशन ये भी लेस देन इक्वल होनी चाहिए, मीन के अल्फ़ा एक्स वन भी लेस देन इक्वल होना चाहिए अल्फ़ा एक्स टू से, इफ़ अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है देन ये सेम रहे। ठीक है, तो हम कहते हैं कि अल्फ़ा जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन दैट इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी। तो मोनोटोनिकली ग्रेटर वैल्यू पे ग्रेटर आंसर, स्मालर पे स्मालर। जैसे जैसे हमारे पास x की वैल्यू बढ़ती जाएगी इंटरवल्स में आगे की तरफ हम मूव करेंगे, वैसे वैसे अल्फ़ा भी ग्रेटर होता जाएगा, मीन कि हम ग्रेटर वैल्यू पे ग्रेटर रिजल्ट मिलेगा स्मालर पे स्मालर। ठीक है, तो ये आपको दिया गया है। अब देखें, हम सपोज कर लेते हैं p जो है a इज इक्वल टू एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू सो ऑन, ये एक सपोज दैट हमारे पास ये पार्टीशन है, p जो है पार्टीशन है, किसकी पार्टीशन है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी की ये पार्टीशन है। अब देखें आपके पास जो क्लोज्ड इंटरवल होता है, कोई भी इंटरवल होता है एन इंटरवल, ये लेट सपोज ये एक इंटरवल है एक्स नॉट से एक्स वन, तो अब इसमें बहुत सी मैनी वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं, तो आपके पास एक फंक्शंस दिया जाएगा, तो अगर सपोज दैट आप इस फंक्शंस में, क्योंकि ये दिया हुआ है कि एफ जो है वो बाउंडेड है, एफ जो है एज ए होल ए बी जो आपके पास इंटरवल है उसमें बाउंडेड है, अगर एज ए होल इनफिना यानी कि ये जो आपके पास ग्रेटर रीजन है ना ये ए बी, तो इसमें अगर बाउंडेड है तो उसके स्मालर हर एक सब इंटरवल जो हम बनाएंगे उसमें भी मस्ट है बाउंडेड होगा। बाउंडेड मीन के हर वैल्यू पे कोई ना कोई आंसर अलाट होगा, तो हर वैल्यू पे कोई ना कोई आंसर अलाट होगा, तो आप जब ओवरऑल वैल्यूज इसमें रिप्लेस करेंगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू आंसर भी मिलेगा, स्मॉलेस्ट आंसर भी मिलेगा, मीन के सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगी एंड इन्फिमम भी एग्जिस्ट करेगी इंटरवल्स की। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि ये जो सब इंटरवल्स हैं, क्योंकि बिकॉज एफ जो है वो क्लोज इंटरवल ए बी में बाउंडेड है, तो हर एक सब इंटरवल्स में भी मस्ट है वो बाउंडेड होगा, तो इन्फिमम भी हर सब इंटरवल में फंक्शंस की एग्जिस्ट करेगी एंड सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेंगे। लेट कर लेते हैं एम आई जो है इन्फिमम है एफ ओफ एक्स की। ठीक है, हर 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 जो है आपके पास जो क्या है सब इंटरवल्स है उसमें सुप्रीमम भी इन्फिमम भी, तो एम आई जो है हम कह देते हैं इन्फिमम है, कैपिटल एम आई क्या कह देते हैं सुप्रीमम है। ठीक है, चलें आल्सो वी सपोज दैट डेल्टा अल्फा आई, डेल्टा अल्फा आई हमारे पास क्या है अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स आई माइनस वन, मीन के ये आप ये कंसीडर कर लें कि ये लेंथ है हमारे पास, वो जो इंटरवल है उसकी लेंथ है। इंटरवल लेट सपोज हमारे पास है एक्स नॉट से एक्स वन, तो उसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी एक्स वन माइनस एक्स नॉट, ये लेंथ होगी उसकी। ठीक हो गया, अपर सम फर्स्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं अपर सम, चलें अपर सम ऑफ द फंक्शन एफ ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन अल्फा इज डिनोटेड बाय, देखें अपर सम को हम डिनोट इस चीज़ से करेंगे, एंड इज़ गिवन बाय, और इसका ये जो फार्मूला है अपर सम का ये फार्मूला है। अभी इसको भी हमने डिस्कस करना है कि ये फार्मूला बना कैसे है, किस तरह से फार्मूला हमने बनाया है। तो ये देखें अपर सम आपके पास है, ये अपर सम है, अपर सम का कंसेप्ट है समेशन आई इज इक्वल टू वन से एन एम आई डेल्टा अल्फा आई, ये आपके पास है, तो इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो अल्फा आई की जगह वन रिप्लेस कर दें, फिर प्लस टू रिप्लेस कर दें, अप टू सो ऑन एन तक रिप्लेस कर दें,
ये डेल्टा अल्फा वन का क्या मीनिंग है, ये हम ऊपर डिफाइन करके आए हैं। देखें डेल्टा अल्फा आई क्या होता है, अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स आई माइनस वन। तो यहाँ पे आपके पास अल्फा वन है तो क्या आएगा, अल्फा एक्स वन माइनस अल्फा एक्स नॉट। सिमिलरली यहाँ पे अल्फा टू है तो क्या आएगा, अल्फा एक्स टू माइनस अल्फा एक्स वन प्लस अप टू सो ऑन एम एन अल्फा एक्स एन माइनस अल्फा एक्स एन माइनस वन। तो ये आपके पास समेशंस का फार्मूला है। अपर सम हम कैलकुलेट करेंगे, लोअर सम। सिमिलरली आपके पास लोअर सम, लोअर सम में क्या होगा, जस्ट आपके पास यहाँ पे एल आ जाएगा। वहाँ पे आपके पास अपर सम में क्या था, यहाँ पे अपर सम में हम यू यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे आपके पास कैपिटल एम आई है तो यहाँ पे हमारे पास स्मॉल एम आई हो जाएगा। बाकी सारी डेफिनेशन वही है। देखें लोअर सम क्या होगा, पार्टीशन पी एफ अल्फा समेशन आई इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी, समेशन आई इज इक्वल टू वन से एन, सॉरी एम आई डेल्टा अल्फा आई। तो इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। जब आप इसे एक्सपेंड करके लिखेंगे तो एम वन डेल्टा अल्फा वन प्लस एम टू डेल्टा अल्फा टू अप टू वन, इसमें सेम उसी तरह ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारे पास है अपर एंड लोअर इंटेग्रल्स। अपर एंड लोअर इंटेग्रल्स क्या होते हैं, कंसीडर दैट बेसिकली हम क्लोज होते जा रहे हैं उस डेफिनेशन के जो हमने इस पूरे यूनिट में डिस्कस करनी है, वो है इंटीग्रेबल फंक्शंस। तो इंटीग्रेबल फंक्शंस को बेसिकली तो हमने डिस्कस करना है। तो ये सारी चीज़ें मतलब हम डिस्कस करेंगे, फिर हम किसके करीब हो रहे हैं, हमने डिस्कस करना है इंटीग्रेबल फंक्शंस को। कंसीडर दैट अपर, अब ये हमारे पास सपोज दैट अपर सम है एंड लेट सपोज ये हमारे पास लोअर सम है, आर द अपर एंड लोअर सम, देन देयर रिमांस डिज इंटेग्रल इज डिनोटेड बाय। देखें लोअर इंटेग्रल को हम डिनोट कैसे करते हैं, ए से बी, तो ये ए के ऊपर एक हमारे पास बार लगा देते हैं एफ डी अल्फा, तो ये जो आपके पास है ये कहलाएगा लोअर इंटेग्रल एंड इज गिवन बाय, किसके इक्वल होता है, जो आपने लोअर सम कैलकुलेट किया होता है उस लोअर सम की सुप्रीमम ले लेते हैं हम। लोअर सम की सुप्रीमम मीन क्या है कि अब लेट सपोज हमारे पास हम किसी कोई लोअर सम कैलकुलेट करते हैं। देखें लोअर सम हमारे पास आ जाता है 3. चले 9, 3.896 सपोज दैट, देन इसकी अगर आप सुप्रीमम लेते हैं, सुप्रीमम ऑफ लोअर सम, तो हम इसे 4 कर देंगे, मीन के इसमें कुछ इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये इसकी सुप्रीमम कहलाएगी। तो आपके पास जो लोअर सम है, लोअर सम की अगर सुप्रीमम ले लेंगे तो वो लोअर इंटेग्रल में कन्वर्ट हो जाती है। सिमिलरली अपर रिमान स्टिलीजिज इंटेग्रल क्या होता है, तो अपर इंटेग्रल को हम डिनोट करेंगे बी के ऊपर बार लगाकर एंड इज गिवन बाय। देखें अपर इंटेग्रल क्या होगा, ये जो अपर सम है इसकी आपने इन्फिमम ले लेनी है, अपर सम की इन्फिमम ले लेनी है, मीन के आपके पास लेट सपोज जैसे हमारे पास अपर सम है, अपर सम हम कैलकुलेट करते हैं हमारे पास आ जाता है 4.1, तो आप इसकी इन्फिमम लेंगे तो इसे हम 4 कर देंगे, इन्फिमम मीन कमी कर देंगे उसमें कुछ। ठीक है, ऐसा करते क्यों हैं ये अभी आप क्लियर हो जाएगा, अभी एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको हम क्लियर, तो ये इनके फार्मूलाज हैं। ठीक हो गया, ये इनके फार्मूलाज हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिमान सटलीजिज इंटीग्रेबल फंक्शन, या सिंपल आप कह लें इंटीग्रेबल फंक्शन क्या होता है। कंसीडर दैट एफ जो है ए से बी में एक बाउंडेड फंक्शन है, अल्फा जो है मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, देन लोअर इंटेग्रल अपर इंटेग्रल सेम आ जाए। आपने क्या कैलकुलेट किया फंक्शंस का, अपर इंटेग्रल कैलकुलेट किया एंड लोअर इंटेग्रल कैलकुलेट किया, दोनों का आंसर क्या आ जाता है, सेम आ जाता है, देन फंक्शन एफ इज कॉल्ड रिमान सटलीजिज इंटेग्रल फंक्शन। ठीक है, तो रिमान इंटेग्रल या इंटीग्रेबल फंक्शन होगा, एफ जो इंटीग्रेबल फंक्शन होगा इस इंटरवल में कब होगा, अगर लोअर इंटेग्रल इज इक्वल टू अपर इंटेग्रल, अदरवाइज हम कहेंगे अदरवाइज अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो अदरवाइज इज कॉल्ड नॉट रिमान सटलीजिज इंटेग्रल इफ़ एफ इज रिमान सटलीजिज इंटेग्रल। ठीक है, तो इसे डिनोट ऐसे करते हैं, ये हमारे पास सिंपल यूज होता है कि एफ जो है बिलोंग करता है रिमान सटलीजिज इंटेग्रल से। ठीक हो गया, और ये आपने याद रखना है, देखें हमारे पास जो अपर सम होता है ऑलवेज ग्रेटर होता है लोअर सम से। चलें इसका हम कंसेप्ट देख लेते हैं, ये इंटीग्रेबल फंक्शंस का क्या कंसेप्ट है।
देखें, स्टार्ट में जैसे हमने डिस्कस किया था कि आपके पास ये जो इंटीग्रेशन है ये एरिया मेजर करने के लिए यूज़ होती है। लेट सपोज़ हमारे पास एक फंक्शन है, लेट सपोज़ ये एक फंक्शन है एंड ये डिफाइन है, ये बाउंडेड है किसी इंटरवल ए बी में। ठीक है, किसी इंटरवल ए बी में ये बाउंडेड है, तो आपने इसका एरिया मेजर करना है। एरिया तो अगर तो आपने इसका एरिया मेजर करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट वे से तो आप इसका एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिकॉज़ कि ये कोई प्रॉपर शेप नहीं है, कोई रेगुलर शेप नहीं है, तो इररेगुलर शेप है, तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। बट हमें चाहिए इसका एग्जैक्ट, अप्रॉक्सीमेटली रिज़ल्ट चाहिए, करीब करीब रिज़ल्ट चाहिए। तो अगर आप डायरेक्ट इसकी मेजरमेंट इसके इंटीग्रेट कर देंगे तो आपके पास उसमें बहुत ज़्यादा एरर के चांसेस होंगे, मीन के एरर उसमें बहुत ज़्यादा होंगे, आंसर हमारे पास करीब करीब नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी पार्टीशन कर देते हैं, हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। लेट सपोज़ ये पार्ट बन गया, लेट सपोज़ ये पार्ट बन गया, लेट सपोज़ हमारे पास ये पार्ट हैं इसके, ये छोटे छोटे इसके पार्ट्स हम बना लेते हैं। ये सपोज़ दैट ये हमारे पास पार्ट्स हैं, इस ये जो आपके पास ए बी इंटरवल था, ये हमने इसकी पार्टीशनिंग कर दी है। लेट सपोज़ इसकी पार्टीशन ये आ गई है, ये इसकी पार्टीशन है। लेट सपोज़ ये, लेट सपोज़ इसके छोटे छोटे पार्ट्स बनाए हैं। ऐसा किस लिए किया है, ऐसा इसलिए किया है कि हर पार्ट्स का एरिया हम मेजर कर लेंगे। अब आप नोट करें कि ये जो इस पार्ट की शेप है, ये लाई का जो है ना रिक्टेंगल है। ये देखें, इस पार्ट की जो शेप है, ये शेप बेसिकली तो ये इस तरह की शेप है, देखें ये इस तरह की शेप है, तो रिक्टेंगल तो नहीं है। हम क्या करेंगे कि इसको रिक्टेंगल बना लेंगे, इस तरह से रिक्टेंगल में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब जो रिक्टेंगल होती है उसका एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है, लेंथ मल्टीप्लाई, ये लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ठीक है, जो इसकी विड्थ होती है एंड लेंथ होती है उसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो उसके आ जाता है एरिया आ जाता है। तो हमने जब इसकी पार्टीशन की है तो हम क्या करेंगे, देखें ये जो आपके पास वैल्यू आएगी, देखें एक हाइट आपके पास ये है इस पार्ट में एंड एक हाइट आपके पास ये है, तो ये जो हाइट है ये कहलाएगी एम नाट, आप इसे कह लें, एंड इसे कैपिटल एम नाट कह लें, मीन के एक तो ग्रेटर लेंथ है और एक समालर है। तो ये जो लेंथ अगर आप इसको शामिल करते हैं, ये समालर लेंथ, हर एक की समालर लेंथ को अगर हम इंक्लूड करते चले जाएं, मीन के हर एक पार्ट जो भी पार्ट आपने लिया है उसकी समालर लेंथ को अगर हम शामिल करते हैं, समालर लेंथ को अगर हम शामिल करते चले जाएं, एंड देखें अब इस पार्ट का अगर हमने एरिया मेजर करना है, ये जो पार्ट है ये वाली, ये लेंथ मल्टीप्लाई इसकी विड्थ, इसकी ये जो विड्थ है हमने देखी थी क्या थी, अल्फ़ा एक्स वन माइनस अल्फा एक्स नॉट, तो ये तो इसकी क्या थी, लेंथ। तो ये जो लेंथ, ये विड्थ, विड्थ को आप इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पार्ट का एरिया आ जाएगा। इसी तरह फिर आप इस पार्ट का एरिया भी सेम इसी फार्मूले से मेजर करेंगे, इस पार्ट का एरिया भी सेम, अप टू स्वान, तमाम पार्ट्स का एरिया जब आप मेजर कर लेंगे तो उसे आप सम अप कर देंगे तो एज ए होल सारे का एरिया आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाएगा आपके पास लोअर सम। एंड लोअर सम आप देखें, जब हम लोअर सम कैलकुलेट कर रहे हैं तो मीन कि हम जो कुछ एरिया हमारे पास रह जाता है, देखें ये पार्ट रह जाएगा, इसी तरह ये पार्ट ऊपर रह जाएगा, इस तरह ये कुछ पार्ट इसमें हम कम करते जा रहे हैं, मीन के जो मेजरमेंट हमारे पास आएगी उसमें कुछ कम, मतलब एग्जैक्ट जो होगा उससे कुछ कमी कम आएगी वैल्यू, तो ये हमारे पास कहलाएगा लोअर सम। इसी तरह फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अपर सम। अपर सम में अब हमने ये मैक्सिमम ये वाली लेंथ यूज़ करनी है, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, कुछ ऐड करते जाएंगे, मीन के कुछ पार्ट ये शामिल कर लेंगे, इसी तरह अपर सम में फिर ये कुछ पार्ट हम शामिल कर लेंगे, अपर सम में कुछ इजाफा, अपर सम में हम कुछ इंक्रीमेंट करते जाएंगे, मीन के वो जो एरिया अंडर आ रहा था उससे थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा एरिया और ऐड होता जाएगा, तो वो कहलाएगा अपर सम। तो होगा क्या कि हमने तो कैलकुलेट करना है एग्जैक्ट, तो वो जो आपके पास लोअर सम आया है, लोअर सम जो हमारे पास आया है, लोअर सम क्योंकि आपको पता है कुछ कमी होती गई है तो हम उसकी सुप्रीमम ले लेंगे, तो वो कहलाएगा लोअर इंटीग्रल। ठीक है, वो कहलाएगा लोअर इंटीग्रल। इसी तरह जो आपके पास अपर सम है उसमें क्योंकि थोड़ा सा इंक्रीमेंट होता गया तो हम उसकी ले लेंगे इन्फिमम,
इन्फिमम जब आप लेंगे, इन्फिमम ऑफ अपर इंटैग अपर सम, तो वो कहलाएगा आपके पास अपर इंटेग्रल। तो दोनों का अगर आंसर करीब करीब आ गया, मीन के दोनों का आंसर अगर एग्जैक्ट एक थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन करीब करीब आ जाता है, तो वो हमारा कहलाएगा एग्जैक्ट आंसर। उस और उसी को हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये इंटीग्रेबल फंक्शन है। तो इंटीग्रेबल फंक्शन का बुनियादी कंसेप्ट तो ये है हमारे पास। जैसे ही एक हमने एक शेप बनाई है, देखें ये एक आपको लेट सपोज एक फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू एफ ओ एक्स, एक फंक्शन है उसकी ये कर्व है हमारे पास, ये कर्व ये आ रही है, ये कर्व आ रही है, ये कर्व उसकी आ रही है। तो हमने क्या किया इस कर्व में, हमने लोअर सम कैलकुलेट किया। लोअर सम मीन कि देखें नीचे वाली जो एरियाज रहते जा रहे हैं ना, ये देखें लोअर में ये जो पोर्शन हमारे पास ये स्किप होता जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास लोअर में ये पोर्शन जो है वो कम होता जा रहा है, ये जो रेड आपको नज़र आ रहा है इसमें ये शामिल नहीं हम कर रहे। एंड अपर सम में ये एक्स्ट्रा आ रहा है, अपर सम में ये जो ग्रीन है ये एक्स्ट्रा शामिल हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, लोअर सम कैलकुलेट कर लेते हैं, अपर सम कैलकुलेट कर लेते हैं, देन उनका जो है मीन के सुप्रीमम इन्फिमम ले लेते हैं। तो अगर दोनों का आंसर करीब करीब आ जाता है तो हम कहते हैं कि दिया गया जो फंक्शन है वो इंटीग्रेबल है। तो इसका ये कंसेप्ट है, इसमें यही हमने डिस्कस करना है आगे भी कि एक आपको फंक्शन दिया जाएगा उसको हमने चेक करना होगा कि वो इंटीग्रेबल है या नहीं, उससे रिलेटेड आगे हमने थ्योरम्स वगैरह भी देखने हैं। बुनियादी इसका कंसेप्ट यही हम लेकर चलेंगे। पार्टीशंस करने की रीज़न भी हमारे पास यही थी कि एग्जैक्ट हमारे पास अगर डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास जो आंसर है वो मतलब उसमें एरर बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे क्या होता है कि एरर बहुत कम आती है, मीन के हम जब इसकी क्या करते हैं सब डिवीजन कर देते हैं, सब सेक्शन बना देते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स बनाकर तमाम को कैलकुलेट, हर पार्ट को कैलकुलेट कर लेंगे एंड उसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारे पास एरर के चांसेस कम होते हैं। ठीक हो गया।